नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। इलाहाबाद से पूर्व विधायक और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमाल के सरपंच नंदलाल बेनीवाल पर और उनके भतीजे के ऊपर चिट्ठा बेचने का आरोप लगाया है। जी हां, अब उसका पलटवार करते हुए जमाल के सरपंच ने भी कहा है कि अभय सिंह चौटाला इसके सबूत पेश करे, नहीं तो वो हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे। जो उनके पास 16 एकड़ जमीन है वो किसी भी चिट्ठे को बेच करके नहीं आई है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है अभय सिंह चौटाला के ऊपर कि पहले उनके ट्रकों के अंदर से भुक्की निकला करती थी। आपको दिखाते हैं दोनों सरपंच और विधायक के बीच के अंदर छिड़ी ये महाजंग। वो जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्ठे का कारोबार करते हैं। इसके लिए पता कर लो आप जाके, सरपंच जिसके अपनी खेत की जमीन के अंदर 2 लाख रुपए की फसल नहीं होती, उसने 16 एकड़ जमीन खरीदी है, पैसा कहां से है? बिना चिट्ठे के बिना नहीं आ सकता, बिना किसी गलत काम के बिना नहीं आ सकता। तो आजकल जेजेपी बीजेपी दोनों इस काम में लगी हुई है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिला। अभय सिंह चौटाला में जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। मेरा मतलब जो आरोप लगाए उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कभी चिट्टे का आरोप लगाते हैं, कभी जमीन खरीदने का आरोप लगाते हैं। बात रही चिट्टे की, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, मेरा और मेरे बेटे का, और बेशक डोप टेस्ट करवाया जाए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। और बगैर मतलब किसी एक जनप्रतिनिधि की मतलब बेइज्जती करनी, ये एक मतलब इतने बड़े उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री की समझते हैं वो अपने आप की, और एक सरपंच पद के एक जनप्रतिनिधि को मतलब वो टारगेट करते हैं, ये बात अशोभनीय है, उनके लिए शोभा नहीं देती। बात रही भतीजे की, भतीजे पहले वो अपने भतीजों को संभाल लें। हाँ, मेरे भतीजे की बात बाद में करें, बाकी मेरा भतीजा ऐसा कुछ नहीं करता। 2007 में मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन यहां से बेच के और अनूपगढ़ खरीदी थी, और वो जमीन बेच के हमने यहां 4.25 एकड़ जमीन खरीदी है। ये अगर गलत है तो मैंने गलत किया है। गांव का सामान्य आदमी को एक ये कह दे कि सरपंच या सरपंच के बेटे ने एक बोतल किसी को शराब बेची है, मैं सामाजिक तौर पर मतलब जो जुर्माना समाज देगा वो भुगतने के लिए तैयार हूं। हाँ, वो अपना तथ्य और प्रमाण दे, जो मतलब सामाजिक दंड होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरी मानहानि की है उन्होंने, सारी उम्र मेरी 4 पीढ़ियां उस परिवार के साथ रही हैं। आज अगर जितने टाइम मैं मतलब अभय सिंह चौटाला के साथ था इतने तो मैं ठीक था, अब जब मैं दुष्यंत चौटाला के साथ हूं तो मैं गलत हो गया। कभी ये पवन के बारे में कहते हैं, कभी गांधी के बारे में कहते हैं, कभी मीनू बेनीवाल के बारे में कहते हैं, सभी गलत हैं, सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला ही सही है। कोई बात नहीं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मानहानि का मैं दावा करूंगा, या तो वो आदमी इस कोई तथ्य और सबूत पेश करे, अन्यथा मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। ये तो रोजाना का काम हो गया इनका। गांव के 4 आदमियों ने जाके शिकायत कर दी, वो कम से कम इस चीज का ये तो देखते भी ये घर कितना पुराना, मतलब चौधरी देवलाल के घर से बंधा हुआ है। हम चौधरी देवलाल के घर की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर है। आपने भी कहा हमारी शराफत को कमजोरी समझना अच्छी बात नहीं है। आपने भी कहा भी 4 आदमियों के कहने से अभय सिंह ने ध्यान दिया है, आपका यही मानना है क्या भी गांव से किसी ने इस बात को लेकर? हाँ, गांव के जो इनके जो है 5-4 जो वर्कर है, उन लोगों के कहने से जब एक जनप्रतिनिधि को अभय सिंह चौटाला का इलाहाबाद हल्का है और इलाहाबाद हल्के के गांव के लिए, वो वीडियो आपने देखी होगी, उसमें अभय सिंह जी ये कहते हैं वो कौन सा गांव? अरे जब जमाल इतना बड़ा गांव है और इतने बड़े गांव में, मेरी बात सुनो, इतने बड़े गांव का नाम उनको याद नहीं है। नजदीक से एक दूसरा आदमी बताता है उस वीडियो में, वो किसी के कहने से उन लोगों ने कहा है, लेकिन वो तो खुद सोचे ना, एक जनप्रतिनिधि पे आप ऐसे लांछन लगा रहे हैं चिट्टा बेचने का। कोई, मैं ये कहता हूं कोई आदमी इस बात को सिद्ध करे चिट्टे के मेरे मामले में, मेरा बेटा बेचता हो, मैं बेचता हूं,
तो जो चाहे वो दंड, ये सिर्फ आगे जो पंचायत का इलेक्शन आ रहा है उसमें मेरे को बदनाम करने की साजिश है, इस बदनामी के लिए ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं, और इससे फालतू कोई बात नहीं है। बात रही गांव में विकास की, पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हो पाया वो विकास हमने इस गांव में करवाया है इस पिछले 5 साल में। भतीजे तो जब ये कह रहे हैं भी इनका भतीजा, ये दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला इनके भतीजे हैं, वो कम से कम मतलब अपना अपनी तरफ तो झांके, वो मेरे पे लांछन लगा रहे हैं। दूसरी बात रही नशे की, नशे की 2000 से 2005 में गवर्नमेंट थी और सिरसा में कम से कम 10 अफीम और बुरकी के अड्डे चलते थे, वो किसके संरक्षण में चलते थे? विधायक जी से पूछना एक बार, मैं मीडिया के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं, वो किसके संरक्षण में चल रहे थे अड्डे? वो अड्डे नंदलाल बैणीवाल चलवा रहा था क्या? एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ बगैर मतलब की अनर्गल बातें करना, ये इतने बड़े आदमी को शोभा देती है क्या? बहुत बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल पे ट्रकों के ट्रक बुरकी के बिका करते थे। हम अब से नहीं, हम सन 1960 से इस परिवार के साथ हैं, 4 पीढ़ियां हो गई हमारी। अब अभय सिंह चौटाला को अब 16 एकड़ जमीन खरीदने की बात याद आई है, जब पार्टी के लिए हमारे पे मुकदमे बढ़ते थे और पार्टी के लिए हमारी मतलब आज से 30 साल पहले हमारी 9 एकड़ जमीन बिकी है पार्टी में, मतलब पूरा दिन खर्चे लगने, पार्टी का काम करें तो खेत में काम नहीं हो सकता, 9 एकड़ जमीन बिकी थी। उस वक्त अभय सिंह चौटाला ने ये नहीं कहा कि सरपंच साहब की जमीन बिकी है, मुंशीराम सरपंच वो आदमी थे जो इस परिवार के इतना मतलब काम आए जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं ज्यादा व्याख्यान करना नहीं चाहता, अभय सिंह चौटाला के निजी जीवन में मेरे फादर साहब का इतना बड़ा हाथ था, उनसे पूछना। हाँ, निजी जीवन में काम आए हैं वो। बात रही प्रॉपर्टी की, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि सन 77 से लेके और आज तक उनकी पैतृक संपत्ति कितनी थी, आज उनके पास कितनी संपत्ति है? वो संपत्ति नरमा या किन्नू बेच के बनाई है क्या उन्होंने? अरे कहां कहां मतलब इनकी कोठी नहीं है, कहां कहां क्या नहीं है, खुद पे ईडी का केस चल रहा है और मेरे बारे में ये मतलब 16 एकड़ जमीन का, जबकि बिल्कुल निराधार बात है, हमने कोई 16 एकड़ जमीन नहीं खरीदी।